हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बाबा स्पाइन व्लॉग। कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अच्छे से खा पी रहे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ हॉस्पिटल्स के बारे में कि डिलीवरी के लिए आपको कौन से हॉस्पिटल चूज़ करने चाहिए, कैसा करने चाहिए और आपको क्या ध्यान देना चाहिए। एक ताज़ा केस आपको बताते हुआ था, ये एक हॉस्पिटल का था जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। वहाँ पर क्या हुआ, बच्चे की डिलीवरी हुई, उसके बाद आई थिंक माँ को जो है इन्फेक्शन हो गया। क्या होता है ना, आफ्टर डिलीवरी भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह से ना उनका पैर धीरे धीरे फूलते गया फूलते गया। तो उन्होंने डॉक्टर्स को बोला कि देखिए मेरा पैर फूल रहा है, बट उन्होंने इतना केयर नहीं किया, कुछ उसके ऊपर वर्क नहीं किया। फिर वो धीरे धीरे बढ़ गया। तो उन्होंने गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि एक दूसरे डॉक्टर हॉस्पिटल से लिंकअप रहता है, तो उन्होंने फिर एम्बुलेंस किया और उनको दूसरे हॉस्पिटल में रिफ़र कर दिया। वो उतनी तकलीफ़, सोचिए अभी न्यूबॉर्न बेबी है तो तकलीफ़ हो गई ना आगे, समझ रहे हैं आप। और वर्किंग उनके हस्बैंड थे, हस्बैंड वाइफ दोनों ही थे, वर्क के साथ में इतना मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए हॉस्पिटल चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल चूज़ करते टाइम आप ध्यान दीजिए कि वहाँ के जो स्टाफ है, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, आप पिछला रिकॉर्ड उनका चेक करिए, आप अपने आसपास पूछिए। बहुत लोगों ने करवाया होगा वहाँ पे डिलीवरी या जानते होंगे उसके बारे में, तो आप गूगल पे जाके आप नेट पे थोड़ा सर्च करिए उसके बारे में, उसका रिव्यू पढ़िए, उसका रिव्यू क्या है। क्योंकि एक तो डिलीवरी का जो मतलब जो टाइम रहता है वो, और आफ्टर डिलीवरी जो चीज़ें रहती है बहुत डिफिकल्ट रहती है। उस टाइम पे स्टाफ का सपोर्टिव होना, हॉस्पिटल का वातावरण कैसा है, वहाँ का कितने सपोर्टिव है, वहाँ के स्टाफ कितना हाइजीन मेंटेन करते हैं, वहाँ के लोग, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ें, और वहाँ पे सुविधा क्या है, मतलब बेबी के होने के बाद वहाँ पे NICU है कि नहीं है, और जो भी आजकल के जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी आई है वो कितनी वहाँ पे हैं, वहाँ पे अवेलेबल हैं, आपके घर से वो कितना नज़दीक है कितना दूर है, ये सब चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी होती हैं अगर आप कोई भी हॉस्पिटल चूज़ कर रहे हो। और उसका आपको हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी है कि वहाँ पे मोस्टली देखिए, अगर आप पता करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, जो लेडीज़ नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, कई कई हॉस्पिटल क्या होते हैं कि थोड़ा सा अगर उनको पेन हुआ 1-2 घंटे 3 घंटे का, तो वो बोल देते हैं कि अब सी सेक्शन करना पड़ेगा। बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जो कि बहुत टाइम तक पेन होता है, अगर उनको लगता है कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो वो नॉर्मल डिलीवरी ही करवाते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल ही क्यों ना। ऐसा नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल खराब होते हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स की एग्जाम्पल देख लीजिए, उनको भी 10-10, 11-11 घंटे का उनको पेन हुआ, प्राइवेट में गए थे, अच्छे हॉस्पिटल में गए थे, बट उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी ही करवाई, उन्होंने सामने से बोला कि, बल्कि पेन के कारण कहीं लेडीज होती है ना बोल देती है मुझे सी सेक्शन कर दो, मुझे नॉर्मल नहीं पेन बर्दाश्त हो रहा है, बट उनकी डॉक्टर ने उनको सामने से बोला कि नहीं आपका हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी, आप सी सेक्शन मत कराओ। मैं क्यों करूँ सी सेक्शन जब मुझे दिख रहा है आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, वो तो डॉक्टर को पता चलता है ना कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसा नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल भी खराब होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत सारे अच्छे होते हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपको हॉस्पिटल के बारे में, प्राइवेट के अगर है तो उसके बारे में आपको उसका हिस्ट्री थोड़ा पता करिए इधर उधर से, जो जहाँ से भी आप कर सकते हो। और वहाँ पे टेक्नोलॉजी, NICU का भी जरूरत पड़ी बेबी को NICU में रखना है तो वो अवेलेबल है कि नहीं वहाँ हॉस्पिटल में, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये देख के ही आप करना। वहाँ पे जो भी सुविधा लगती है डिलीवरी के लिए वो सब अवेलेबल है, लेकिन वहाँ के स्टाफ कैसे हैं, क्योंकि देखिए एक माँ के लिए, एक तो उसने बेचारी ने डिलीवरी का पेन सहा होता है, उसके बाद वो जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है वो तो बहुत ज़्यादा होता है उसके, वो बोलते ना चीरा वगैरह लगा रहता है, तो उसके लिए वो पेन बर्दाश्त करना ना, उसके बाद भी पेन होता है ना जो, वो तो वो खुद ही तकलीफ में रहती है। उसके बाद अगर स्टाफ खराब बिहेव करते हैं तो वो उसके सहने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और वहाँ पे जैसे कि गर्म पानी अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि जहाँ मैं एडमिट थी ना वहाँ पे जिस हॉस्पिटल में थी, मैं गवर्नमेंट में मैंने किया था, क्योंकि मैंने जहाँ से प्राइवेट से करवाया था अपना 9 मंथ जहाँ से मैंने अपना मेडिसिन करवाया था, रिपोर्ट वगैरह सारे जो भी जहाँ से करवाए थे मैं वहीं से करने वाली थी, बट मुझे उस डॉक्टर का एक ही चीज़ नहीं जमा, क्योंकि जब उसने 9 मंथ में चेकअप किया, जो कि मैंने सोनोग्राफी निकलवा ली थी गवर्नमेंट में, क्योंकि मुझे बोला गया था लॉकडाउन था ना, तो उन्होंने बोला था कि आप एक बार, सब मुझे यही एडवाइस दे रहे थे हस्बैंड को कि आप एक बार गवर्नमेंट में भी ये करवा लो, क्या कुछ ये निकलवाते ना रिसिप्ट वगैरह,
मतलब ये फाइल बनवाते हैं ना, तो उन्होंने बोला था 7 मंथ में एटलीस्ट फाइल बनवा कर रख लो। मैंने बोला था नहीं, मुझे प्राइवेट में ही करवाना है क्योंकि मुझे थोड़ा हाइजीन प्रेफर करती हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, गवर्नमेंट में हाइजीन मेंटेन नहीं करते। और मैंने सुना था कि गवर्नमेंट में गाली गलौज वगैरह भी मैंने सुना था कि ऐसा बहुत करते हैं। तो मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि मेरे से सब सहन नहीं होता। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। पहली बात तो हाइजीन हाइजीन मुझे साफ़ सफाई का बहुत ये है, तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी। बट एक सिक्योरिटी के लिए हमने गवर्नमेंट में भी करवा लिया था, फाइल बनवा लिया। तो उन्होंने लिख के दिया था 8वें महीने में, 8वें 8.5 महीने में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उन्होंने सोनोग्राफी लिख के दिया था हमको, तो हमने वो सोनोग्राफी करवा लिया था। उसमें बीबी ने हेड डाउन कर लिया था, उसमें लिखा था। तो फिर उसके बाद मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर से चेकअप था, तो मैं वहाँ पे गई थी। तो बट उन्होंने क्या किया ना, मेरा पेट, मैंने जैसे बताया था मेरे बेबी राइट साइड ही हमेशा उठता रहता था, उधरी मतलब लात वगैरह मारता रहता था। तो इधर ही वो राइट साइड ना पेट के इधर ज़्यादा उसका दिखता था, पूरा ऐसे उठा हुआ रहता था हमेशा राइट साइड में। तो वैसा उस टाइम पे वो था, उन्होंने चेकअप करने के लिए लिटाया था मुझे। तो वो राइट साइड फिर से जैसे उठता था वैसे वो उठ गया था। तो उन्होंने ऐसे नहीं चेक करते हैं पेट, ऐसे पुश कर करके कहाँ क्या है। तो उन्होंने ऐसा करके क्या बोल दिया था मुझे कि आपके बेबी ने अभी तक हेड डाउन नहीं किया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बेबी का हेड यहाँ पे है ऊपर साइड में, और मुझे ऐसा लगता है शायद सी सेक्शन करना पड़ेगा। देखते हैं, अभी सोनोग्राफी निकलवाते फिर देखते हैं। तो जब आपको सोनोग्राफी निकलवानी ही थी, तो आपने, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था ना कि आपके बेबी ने, मुझे लगता है कि सी सेक्शन करना पड़ेगा, हेड डाउन नहीं किया। आप तो डॉक्टर हो इतने अच्छा, वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे, वो मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर, उन्होंने दवाइयाँ बहुत अच्छी देती थी, मुझे तो वो बहुत पसंद थी। बट उन्होंने ऐसी चीज़ें बोली ना, तो मेरे वो दिमाग से उतर गई। तो फिर मैंने, ऑप्शन नहीं था, मैंने वहाँ पे फाइल ऑलरेडी बना रखी थी। तो और मेरे जो जो भी उन मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने वहाँ पे करवाया था डिलीवरी गवर्नमेंट में, जिसमें मैंने फाइल बनवाई थी, वो सिर्फ डिलीवरी वाला हॉस्पिटल था। और सबने बताया था जिन्होंने करवाया था, बोले थे बहुत हाइजीन मेंटेन करते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, अच्छे स्टाफ है। तो फिर मैंने थोड़ा हिम्मत किया, मैं गई वहाँ पे, और वो अच्छा हॉस्पिटल था, हाइजीन मेंटेन किया था उन्होंने, स्टाफ बहुत अच्छा। तो मेरे डॉक्टर जिन्होंने डिलीवरी करवाई बहुत अच्छी डॉक्टर थी, फीमेल डॉक्टर थी। पर मुझे वहाँ पे एक ही चीज़ नहीं अच्छा लगा कि गर्म पानी जो है ना, अगर आपको चीरा लगता है तो आपको गर्म पानी से सेक करना होता है बार बार। तो उससे कैसा, थोड़ा जो टाइट हो जाते हैं ना स्किन, जो टाके लग रहे थे उससे स्किन ऐसे टाइट पकड़ लेती है। तो अगर आप गर्म पानी से धोते हो ना, तो आपको पेन में रिलीफ मिलता है, और बोलते हैं ना टाके जल्दी भरते हैं। तो और दवाइयाँ, हाइजीन मेंटेन होता है एक्चुअली, साफ़ सफाई रहना चाहिए। तो वहाँ पे सिर्फ एक बार गर्म पानी मिलता था, वो भी 4 या 5 बजे मॉर्निंग में। सोचो आप, एक तो ऑलरेडी पेन में हो, तो आपको उतने टाइम पे जाके ही, और एक ही बार पानी मिलता था। तो और फिर वो मुझे थोड़ा सा बहुत अजीब लगा, वो अच्छा नहीं लगा मुझे। सिर्फ उससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि आप अगर उस टाइम पे बार बार अगर वार्म वाटर से वॉश करते हो ना, तो बहुत रिलीफ मिलता है। तो ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा नहीं अच्छा लगा, बाकी सब अच्छा था वहाँ पे, ऐसा कुछ गाली गलौज नहीं था। स्टाफ बहुत अच्छे थे, नर्सेस अच्छी थी, डॉक्टर अच्छी थी, हाइजीन मेंटेन था, अच्छा हॉस्पिटल है। तो ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट में तो ऑलरेडी मिल जाता होगा, वो तो ऑब्वियसली हम तो पे करते हैं तो वो तो दे देते हैं गर्म पानी। बट अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जिनका मैंने बताया था कि उनका मिस कैरेज हो गया, प्री मेच्योर डिलीवरी हो गया, वो भी गवर्नमेंट में गई थी, पर वो बहुत बेकार हॉस्पिटल था। उन्होंने बताया कि उनको बहुत सारे मतलब रूड बिहेवियर था हर एक का, तो वो बहुत तकलीफ कर देता है। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है आपका हाइजीन। उन्होंने बताया था कि टॉयलेट वगैरह भी बहुत गंदे थे, वो मतलब 7 दिन वहाँ पे थे, उन्होंने बोला कि इतने गंदे थे कि मैंने ना आया नहीं 7 दिन। तो सोचिए फिर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो आपको ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, और पहली बात आपके घर से नज़दीक होना चाहिए। तो मुझे यही बताना था इस वीडियो में कि हॉस्पिटल आप बहुत देख ताक के मतलब चूज करिए, क्योंकि वो आप 3 दिन निकालो 4 दिन निकालो, बट अच्छे से निकालो, है ना, खुशी रहती है बच्चे की। तो उसमें फिर बिना मतलब का ये नहीं आना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको भले ना लगे इस टाइम पे, बट अगर आप जब जाओगे तब आप सोचोगे कि मैंने सही बोला था, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल।